सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग के अंदर। सो दोस्तों, अभी मैं आया था श्री किशन बापू दोस्तों, जो संत थे अर्धापुर में, और वो यहाँ के ही तो दोस्तों रहने वाले, तो उनका मैं आपको मंदिर का अंदर का व्यू दिखाऊंगा, किस तरह से बहुत मानते हैं अर्धापुर के अंदर इस किशन बापू के जो संत है, ये जो देवाश्रम है दोस्तों उसको। तो चलिए आपको दिखाते हैं अंदर का व्यू, ठीक है। वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए, चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो गाइस, ये जो मंदिर है, जो देवाश्रम है, ये बिल्कुल हाईवे के नज़दीक में दोस्तों, अर्धापुर के अंदर जो हाईवे जाता है उसके नज़दीक में है। देख सकते हैं हाईवे मेरे पीछे रहा उस साइड में, तो बिल्कुल नज़दीक में दोस्तों। और यहाँ का बहुत ही सुंदर दोस्तों, हर महीने मतलब हर साल में 1 फरवरी को दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ा भंडारा होता है, यात्रा होती है इस जगह की, और यहाँ पे बहुत सारी दोस्तों भीड़ आती है, पूरा गांव दोस्तों आता है, ठीक है। और दोस्तों ये एक आदमी थे, मतलब एक इंसान थे, और इंसान को उन्होंने जप किया, प्रार्थना की भगवान की, और तब जाकर दोस्तों उनको भगवान दोस्तों प्रसन्न होकर उनको कुछ शक्तियाँ वगैरह दी होंगी दोस्तों, तो इस तरह से उनका इतिहास है। और दोस्तों 14 साल तक वो भूखे और पैसे दोस्तों रहे थे, उन्होंने जप किया था 14 साल, सोच सकते बिना एक अन्न खाए हुए 14 साल दोस्तों उन्होंने जप किया हुआ है। तो इसके वजह से दोस्तों उनको बहुत ज़्यादा भगवान प्रसन्न हुए थे, और यहाँ पे दोस्तों फिर उनका मंदिर बनाया लोगों ने इस गांव के, और ये तब से दोस्तों परंपरा चल रही है। 2016 में समथिंग वो डेथ हुई थी, और उसके बाद से दोस्तों ये मंदिर बनाया है, ये समाधि बनाई है उन्होंने गाँव वालों ने मिलकर, और यहाँ पे फिर भंडारे वगैरह सारा चीज़ चलता है, ठीक है। तो चलिए आपको दिखाते हैं अंदर का व्यू। सो ये है दोस्तों, ये बाहर का व्यू है, यहाँ पे छोटा है दोस्तों बट बहुत बड़ी कृति है इनकी, ठीक है। और वो सामने जो दिख रहा है दोस्तों, उस साइड में बैठने के लिए लोगों को किया हुआ है, और उस साइड में दोस्तों श्री बजरंगबली का भी मंदिर है उस कोने में, ठीक है, तो वो भी दिखाएंगे आपको। गाइस ये है अंदर का व्यू, मैं आपको अंदर जाकर दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो देख सकते हैं ये है अंदर का व्यू, और ये है दोस्तों श्री संत किशन बाबू दोस्तों, देख सकते हैं। सो गाइस ये है मंदिर का बाहर का परिसर, मंदिर उस साइड में रहा, ठीक है, उस साइड में है मंदिर, और ये स्कूल के बच्चे दोस्तों अभी छुटे हैं, और ये है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर दोस्तों, यहाँ पे श्री शंभू का, और यहाँ पे साथ में दोस्तों श्री बजरंग बली का हनुमान मंदिर है दोस्तों, ठीक है। और ये यहाँ का परिसर है, देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर दिख रहा है दोस्तों। और ये पास में ही दोस्तों हाईवे, और नज़दीक में स्कूल, बहुत कुछ, ठीक है। तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं नज़दीक में थोड़ा सा। तो दोस्तों ये जागृत है मंदिर जो है, जो मंदिर बना है दोस्तों, ये जागृत मंदिर है श्री बजरंग बली का, और यहाँ पे देख सकते हैं श्री बजरंग बली का है दोस्तों मंदिर। और इस यहाँ पे नज़दीक में ही दोस्तों श्री शिव शंभू का काशी विश्वनाथ मंदिर है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये सारा व्यू है यहाँ का। तो बाकी कैसा रहा दोस्तों ये आज का ब्लॉग, छोटा सा बट बहुत ही सुंदर दोस्तों, और बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है ये। और यहाँ पे दोस्तों 14 साल किशन बाबू जी ने तपस्या की, भगवान को प्रसन्न किया दोस्तों, अपनी उनके प्रति जो श्रद्धा थी भगवान के प्रति उन्होंने दिखाई 14 साल अपनी तपस्या से, मतलब भूखे पैसे रह कर दोस्तों खुद भगवान को खुद को समर्पित कर दिया, ठीक है। तो ये मंदिर है उसी का कुछ अंश देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे दोस्तों हर साल बहुत ही सुंदर दोस्तों यहाँ पे भंडारा होता है, और भंडारा लोग बहुत आते। सो गाइज ये था आज का ब्लॉग, कैसा रहा, उम्मीद करूँगा दोस्तों बहुत अच्छा लगा होगा आपको ये प्लेस। श्री किशन बापू दोस्तों संत थे, उनका मैंने आपको ब्लॉग दिखाया, उनको आपको मैंने देवस्थान दिखाया दोस्तों, प्लेस दिखाया हूँ अर्धापुर के अंदर जो है, और उसके साथ में दोस्तों जस्ट उसी मंदिर के सामने जागृत हनुमान मंदिर जो है श्री बजरंगबली का, और साथ में दोस्तों काशी विश्वनाथ महादेव जी का। तो दोस्तों ये मैंने आपको आज इस ब्लॉग के अंदर दिखाया, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, आपने एंजॉय किया होगा। और ऐसे ही नए ब्लॉग के लिए दोस्तों हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन हिट कर लेना, और दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्द नए ब्लॉग के साथ में, नई जगह के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, थैंक यू सो मच।